सलाम अलैका या तो अल्लाह।
महसूस हो जाए लोग बैठे ने सरकार ने आशीर्वाद बैठे हुए इस वास्ते असा जिथे नहीं बोलना हमारा साडी बदकिस्मती है कि असा उथे ज्यादा बोलने जिथे बोलना पवे उथे नाफान ते उलमा नकीब जोर ला ला के आखने कि भाई आप तुसी सुभान अल्लाह दे दरूद शी ऊंची आवाज ना पढ़ो। वैसे एक बुजुर्ग फरमाने कि लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुसा ढिले होने हो तां ये लोग बार बार तुसा पर चंगा काम करवाने ना पढ़ो 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 मोहब्बत हिम्मत करो थोड़ा जहा देखो हरकत की बरकत अगे आज भाई जगह खाली है मोहब्बत जिस मकसद वास्ते आए बस अल्लाह मकसद आपको जरा उची आवाज ना लागे सारे मोहब्बत हसन वल हुसैन वाला घर दारू रे
करके गुजरे बहार।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗੀ ਯਾਰੋ ਦੁਖੀਆਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਸੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਯਾਰੋ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਯਾਰੋ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਖਬਰਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਹੋਏ ਪਨਾਹ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਤੁਸਾਰ 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 ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਸ਼ਫੀ ਮੁਅੱਜ਼ਮ تاجدار انبیاء جان کائنات جہان کائنات بلکہ بوجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ دے اندر محبت عقیدت چاہت نال پیش کرن تو بعد اسٹیج تے تشریف فرما خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد الطاف قادری صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد الیاس اشتنی صاحب جناب محترم حافظ امتیاز صاحب عظیم مدح رسول عظیم عاشق رسول جناب محترم صاحبزادہ عبدالغفار جامی صاحب خادم آستانہ علیہ گورلہ شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے غلاموں بزرگوں دوستو عزیز ساتھیو اج دی عظیم و شان محفل پاک جس دے اندر میں اور تساں شریک ہاں محترم جناب راجہ شکیل صاحب نے اور انہاں دے رشتہ دار و اقارب نے جناب محترم مرحوم و مغفور حاجی گل فرید صاحب دے ایصال ثواب واسطے اس محفل پاک نو سجایا حاجی صاحب دے بھائی بڑے حاجی صاحب بھی تشریف فرما نے انہاں دے برادر لا جناب مقبول صاحب بھی تشریف فرما نے انہاں دے داماد اللہ تعالی سب دی اس کوشش کو کاوش کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی فوت کی بھی ہو گئی اعلانات بھی ہو گئے نماز جنازہ بھی ہو گیا کل شریف بھی ہو گئی اج پھر اے محفل سجان دا مقصد دیکھو مہمان تشریف لے آئے نے لنگر شریف بھی پک گیا ہے بزرگاں دے سارے ثواب واسطے خیرات دے تمام بھی ہو گیا لیکن اس دے باوجود اے علماء نوں بلا کے سنا خانہ نوں بلا کے قرآن نوں بلا کے حفاظ نوں بلا کے اس محفل پاک نوں سجان سچو حضرات گرامی محفل پاک نوں سجان دا مقصد کی ہے اس محفل پاک نوں سجان دے ہر بندے دی اپنی سوچ ہے میری سوچ یہ ہے کہ اس دے دو مقصد ہیں سبحان اللہ میرے خیال دے مطابق میری سوچ دے مطابق
इस महफिल पाक दे दो मकसद ने अल्लाह करे ये दो ही हों। ये दो मकसद केड़े ने? पहला मकसद ये है कि अहले खाना ने इस मकसद वास्ते कीता है कि साढ़े वालिद साढ़े भाई साढ़े बुजुर्ग साढ़े ससुर साढ़े मुसलमान भाई बुजुर्ग इस दुनिया फानी तो पर्दा कर गए ने, क्योंकि जो उन्होंने अमाल अपनी जिंदगी च कीते ने ओ नाल लै गए ने ते मुसलमान नु मुस्तफा करीम दे फरमान दे मुताबिक दुनिया छोड़ जान तो बाद भी किसी चीज की जरूरत होंदी है। इन्होंने कहा कि ओ सरकार दे फरमान दे मुताबिक असी महफिल सजा के लोगों नु बुला के जिक्र मुस्तफा करके ते करा के मरहूम दी रूह नु खुश करिए, मजीद तोहफा देइए, और कयामत तक सवाब मिलसी ने, कयामत तक जाना आया चलिया जा सन, लेकिन सवाब इस इरादे ते नियत ना मिलना आया सी। दूसरा मकसद केड़ा है कि इस महफिल विच जितने लोग आनगे कुरान दी आयत नु सुनणगे मुस्तफा करीम दे फरमान नु सुनणगे और जदों तक उस ते अमल करदे रहणगे मरहूम दी रूह नु सारे सवाब पहुंचदा रहेगा। सुभान अल्लाह। इस एक महफिल दे विच बैठ के चुके अक्सर मैं जानना कि आप अबाब कोठी सतियां से लातराड़ दे इस इलाके च तशरीफ लाए हो। इस तुहाड़े इलाके च डेरा दुरुज दे इलाके च मैं एक दफा 40वें दे हिसाब कीता। उस महफिल दे बाद आके मेरे साथी हैं ए मकबूल साहब जंग शहीद तो तशरीफ लाए ने, जंग दे अहबाब ने जिक्र कीता इन्हां दी गली शोर आने लो कि उस महफिल दे बाद एक बंदा ऐसा उस महफिल च आया सी जेड़ा अरसा दराज तो अपने बाप नाल नाराज सी ते मिजरी ते गुस्ताख सी कितने अरसे ना पिया करना सी, लेकिन उस महफिल बाद ना सुन के इसे जो मेरा कमाल नहीं ए फरमाने मुस्तफा ना कमाल है, ए सारे मजहब इस्लाम ना कमाल है, मुस्तफा करीम अलैहि सलातो सलाम की निगाह ना कमाल है कि उस एक बंदे ने महफिल पाक सुनी और सुनन के बाद उठे ही उठ के दुआ तो बाद उस महफिल विचों 10-15 लोगों नु लिया उन्हें आख्या वजह की है कि तुसी मेरे नाल और सिफारशी बन के मैं अपने अब्बे को माफी मांगना चाहता हूं, मैं अपने बाप को माफी मांगना चाहता हूँ। खुद सोचो कि जिस बंदे ने इस साले सवाब की महफिल सदी हुई विचों एक बंदा भी तौबा कर जाए मेरे भाई समझ ले हर करण ने भी बख्शिश हुई है, लेकिन इस साले सवाब वास्ते महफिल सदी है जिदी वजह नाल मैं ते तुसा आए बैठे हैं। खुद सोचो मरहूम दी रूह कितनी खुश हुई है। इस वास्ते एना मामला का मकसद होता है कि बंदा जो कोई आया है इस महफिल में जो सबक ले के जाए खुदा रा जदों इन मामला के अंदर आने हो कोशिश करे करो अदब ना लाओ प्यार ना लाओ बावजूद होके आओ तो जिस वेले आयो तो कुछ लेके जाओ अमल की कोशिश करो। हजरत गिरामी दो मकामात को कुरान मजीद में तिलावत की है। हाजी साहब गुलफरीद साहब इंतहाई नेक इंसान नेक सोच और ये भी गल मैं जो के सादा गलां करन आती है झटकामी गलां घर बने समझ आए ते पढ़े लिखे लोग क्यों समझ आने तो जेड़े थोड़े अनपढ़ कम पढ़े लोग हैं उन्हें भी गल समझ आ जाए। इस वास्ते हरी साहब इंतहाई नेक इंसान यानी कि ऐ पिछले जो 2-4 महीने गुजरे ना बड़े डाढ़े जी गुजरे है जी बड़े डाढ़े जी गुजरे ते चंगे चंगे जने जड़े है ना उन्हें भी मस्जिद से जाना छोड़ दिया, लेकिन हाजी साहब तो सलसल नहीं तोड़ा। हां हां सुभान अल्लाह मोहब्बत ना सारे सारे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने मस्जिद के अंदर यानी कि मैंने इसी तरह काली तरह महसूस हुआ लगा हाजी साहब साबी जी जान मार चाहिए तो नहीं है ते अजान होनी ते मस्जिद दा गौर पैना मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। ए होनी ने चंगी यादा
इन्हां लोगों ने बारे च रब ने कुरान की आखना जरा पढ़ो अगर सुनना चाहते हो तो जरा बड़े चेहरे तुम्हें पता लगे कि वाकई कुरान अल प्यार करने हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब ना कुरान पढ़ सा तो मजा आसी अजीब कारी कुरान को मैं पढ़िया है अल्लाह ताला उन्होंने बख्शिश फरमाई पिछली जुमरात जिस तरह हाजी साहब हो तो उसको अगले दिन जुमरात मेरे उस्ताद जी इंतकाल फरमाया अल्लाह ताला उन्होंने कब्र से करोड़ों रहमतें बरकतें नज़ूल फरमाए सारे आपको जरा आमीन आमीन रब ताला ने अपनी लारे बेमिसल बेमिसाल किताब कुरान मजीद मर्द होवे या सारे बोलो मर्द होवे या औरत दुनिया के बड़े बड़े लोग ने इतने मखलूकात ने इतने इंसान ने जेड़ा कोई नेक अमल कर सी सारे वास्ते समझ जी साई बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आवाज आई नेकी का सवाब उन्हें मिलेगा नेक कम करने वाले अमल करने वाले नो सवाब उन्हें ही मिलेगा या अल्लाह किन फरमाया शर्त है वहुवा मोमिन सुभान अल्लाह शर्त है कि बंदा मोमिन होना चाहिए या अल्लाह I'm a
اگر سمجھ آئی ہوئے تو اور سوچو سبحان اللہ سبحان اللہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً حضرات گرامی وقت تھوڑا ہے اس کام تھوڑے جے وقت کے اندر یہ ضرور عرض کر سا کہ ہر بندہ نیک عمل کرنے والا ہو جائے نیک اعمال کیڑے نے نیک اعمال کیڑے نے پانچ وقت دا بندہ نمازی بن جائے سوم صلات دا پابند بن جائے نیک کم کرے سادے جے الفاظ چاکھاں کہ کسے نو ناراض نہ کیتا ہوئے تے نہ کسے نال ناراض ہوئے اگر کوئی رسم ہوئے تو اسا راضی کرن والا بن جائے تے اے نہ ہوئے کہ پڑوسی وی تنگ ہوئے امام تے مقتدی تنگ ہونا مقتدی وی تے امام تیرے تے تنگ ہوئے پیر تے مرید تیرے کول تنگ پے جان مرید نے تے پیر تیرے کول تنگ پے جائے نہیں نہیں میرے بھائی دنیا دار اگر دکاندار ہے تے تیرے کول گاہک تنگ پے جائے ایسا رویہ مسلمان انسان نہ رکھے بلکہ ایسا رویہ دنیا تے رکھے میرے بھائی کہنے والے کی ہے کہ رہو تو ایسے رہو ہر شخص احترام کرے اے بھائی علامہ اقبال علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ اپنی قبر پہ کروڑا رحمت اللہ نزول فرمائے رہو تو ایسے رہو ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام اجرا دشمن آتے ہیں دشمن مراد ہے کہ اجرا نہیں سی جاننا سن سنا کے چنگیا بندے نے دشمن تے ہونے ہی کوئی نہیں ہے جی انہاں سارے نال رویے ہی ایسا رکھے ہونا ہے اللہ تعالی ایسی زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے حضرات گرامی نیک اعمال ایک سوم و صلات نماز روزہ ایک بڑی نیکی اے بھی ہے کہ انسان اپنے ماں پیو نو راضی رکھے اپنے ماں پیو نو سارے گرو اپنے ماں پیو نو راضی رکھے محرض کیتا ہے اپنے ماں پیو دون اس زمانے تے اس معاشرے چ دیکھے کہ کئیاں بد نصیباں نے صرف ماں نو راضی رکھیا تے باپ نو چھوڑ دیتا ہے اور کئیاں نے باپ نو راضی رکھیا ہے تے ماں نو چھوڑ دیتا ہے حضرات گرامی حقوق العباد بڑے ڈاڑے صرف ماں پیو نو راضی رکھو تے اپنی بیوی دا خیال نہ رکھیو ہوں کئی اکثر موری لگنا ہے کہ رن موری تے نہیں بھائی میں اپنی گل تے کرنی ہے پہنچانا میرا حق ہے میرے بھائی اگر گھر دے معاملات صحیح رکھے گا نا میں ویسے آزمایا ہے کہ جس انسان دعا دینے والے دنیا دے ترے رشتے ہونا وہ کسی جگہ تے تین رشتے ماں پیو نا سارے بولو ذرا سبحان اللہ ایک رشتہ مائی باپ نا اور دوسرا رشتہ بیوی نا دوسرا رشتہ بیوی نا جس بیوی دعا دینا لی ہوئے ماں پیو دعا دینا لوگے کیونکہ ہے بڑے اوکھے دعا کرنا ہے بڑا اوکھا جا کام ہے تیسرا رشتہ جس نے بہنا ہون دعا دینا لی جس نے بہنا ہون دعا دین والیاں اس دنیا تے کوئی کمی نہیں ہونی اس واسطے حضرت گرامی ماں پیو جب دنیا چھوڑ جاؤں والدین اس لیے دنیا چھوڑ جان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد تے تین قسم نے ہاتھ چھوڑنے کتنا تین سارے بولو کتنے تین قسم نے ہاتھ نے جی فرماؤ گل کر دو ذرا سارے سن لے جی
की दुआ एक बजे टाइम उस तो पहले इंशाल्लाह खत्म हो जाए। ठीक है जनाब, मेहरबानी तशरीफ रखिए। हजरत ग्रामी तवज्जो, यही ऐसा मसला है और कोई मसला नहीं। किसी को घर समझाने की गल को अगर खरी करे तो उसका घर ही तो मैं सुन लो या खैर है। मुस्तफा करीम अलैहि सलात व सलाम ना फरमान है कि जिस वेले वालिदैन दुनिया छोड़ के चले जान औलाद ते तीन किस्म ना हाथ छोड़ के जाने ए इंज समझो ए मैं गल सूरज भी कर सकना ते मैं सुरीला खतीब तो सुनता की गया ते मैं गोरे भी गल कर सकना लेकिन मैं कोई अच्छा खास गल को समझाना चाहना। मैं पहले आके आयो ते कोई शायद पल्ले पा के जाओ क्योंकि जोश भी तेरी गल हो शायद उस तरह समझ ना आ सी मैं मुकम्मल होश ही तुसा नाल मुखातिब। हजरत गिरामी तीन किस्म दे हक ने। पहला हक ये है कि जेड़ा भाई शकील साहब अदा कर रहे ने वो हक ये है कि जदो वालिदैन दुनिया छोड़ के चले जाए औलाद ते हक ये है कि अपने वालिदैन वास्ते दुआए मगफरत करो। की करो सारे बोलो की करो दुआए मगफरत करो। और दुआए मगफरत किस अंदाज की दी जाए दुआए मगफरत किस अंदाज की दी जाए अगर औलाद पांच वक्त की नमाजी होवे तो इस तो बड़ा दुआए मगफरत का तरीका कोई नहीं। पांच वक्त की नमाज पढ़ने वाली औलाद होवे और खुद सोचो बंदा जिस वेले खड़ा उसी सुभान अल्लाह अम्मा बाबी हम देगा आपसे या अल्लाह तू बाप के सारी तरीफा दे दिए अल्लाह सब तो पहला और बेहतरीन तरीका और हमेशा हमेशा मस्ते चौथा कीते चालीसवा कीते एक दिन साल बाद सलाना कर छोड़े नहीं। अगर औलाद पर वक्त की नमाजी बन जासी मेरे भैया तो सारी जिंदगी वास्ते दुआए मगफरत करना रहसे हर नमाज विच कि तू भी खुश हो ते मेरे माँ प्यो ने नू भी खुश हो सी ते इस नाल ए यकीदा सुन लो माँ प्यो जिंदा ने तभी फैज मिलना है अगर स्टूडेंट के माँ प्यो फीसा दे सन जायदाद बनना बार बार मिल सी लेकिन जिस वे माँ प्यो दुनिया छोड़ के चले जा उस वे के मिलना है और करना मैं लफ्ज़े मुसलमान इस्तेमाल कीता है जेड़ा मुसलमान जुमे वाले दिन अपने कबर की मिट्टी की ज़ियारत करेगा रब उस देश से सरीला गुनाह सारे माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप दुनिया तो टूट गए ता भी फैज मिलना रहे बाप दुनिया तो टूट गए ता भी फैज मिलना रहता है। फरमाया मुस्तफा करीम के वालिदैन दुनिया तो चले जा औलाद के हक है कि अपने वालिदैन वास्ते दुआ करें। पहला तरीका कार्य है कि नमाज पांच वक्त का पढ़ने वाला बेटा बेटी बन जाए वालिदैन वास्ते दुआवां होंदियां रहणगियां। दूसरा ये है अपने वालिदैन वास्ते जितना हो सकता है खैरात की दी जाए सदका दिते जान अपने वालिदैन वास्ते मुआफिल दा एतमाम कीता जाए। हर जुमे नु करो हर जुमेरात नु करना ते वलियां दा तरीका है हर जुमेरात करना बुजुर्गां दा तरीका है और ए जरूरी नहीं कि 2000-4000 बंदा होवे तां ही हर बंदा अपनी फैमिली नु लेके दस्तरखान ते बह के पानी सामने रख के अपने वालिदैन वास्ते दुआ कर सी तां भी फैल। सुभान अल्लाह सुभान। पहला तरीका कार्य है और अगर रब सोने तौफीक दी है
क्योंकि जिथे 40 बंदे बैठे हो 40 चो एक अल्लाह ना वली होने देखो जिथे अल्लाह ना वली जिस वेले रब नी बारगाह च दुआ मंगे ते फिर कितने मकबूल होती है। इस वास्ते बहुत बड़ी फजीलत है इज्तमा दे अंदर वालिदैन वास्ते दुआ करवाना। मैं समझना के खुशनसीब ने शकील भाई की जिन्होंने अपने वालिद ग्रामी दी रूह नू खुश करने वास्ते दोस्त आवाम रिश्तेदार कमली वाले दे गुलामों नू बुला के गए कि आओ अल्लामा साहब किबला जी मेरे वालिदैन वास्ते पढ़ के कुछ भेजो तुसी पढ़ी जासो लोग सुभान अल्लाह करे जासन तुसी रिसालत बयान कर सो लोग तौहीद बयान कर सो रब सोना मेरे वालिद दी बख्शिश फरमा दे। पहला हक ये है कि वालिदैन वास्ते दुआए मगफरत की दी जाए और दूसरा हक अल्लाह दूसरा हक ये है कि जो वालिदैन ने माल छोड़े है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਲਿਦੈਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਤੀਸਰਾ ਹੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਮ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ चले गए अपने बाप के यारा नाल अपने बाप ने सैया नाल ताल्लुक उसी तरह रखी कि जिस तरह तेरे बाप ने ताल्लुक रखे सी। ए साडा मजहब इस्लाम ताल्लुक जोड़न दा हुक्म देंदे ताल्लुक तोड़न दा हुक्म सारे बोले ताल्लुक जोड़न दा हुक्म देंदे तोड़न दा हुक्म नहीं देना। जाते ग्रामी वालिदैन इतना प्यारा रिश्ता है इतना प्यारा रिश्ता है लेकिन इस दे नाल नाल इस गल नु करना भी मैं जरूरी समझना हूं कि जिथे वालिदैन दे हुकूक ने ना औलाद वास्ते ते गल शायद कहीं आजम ना होसी लेकिन कोई गल नहीं खैर है खरी गल करन आती हां वालिदैन दे हुकूक जेड़े औलाद ते ना उस कोलो ज्यादा हुकूक औलाद दे वालिदैन दे वालिदैन कोलो पूछे जाने बच्चे दी तरबियत कैसी कीती आ अज मां बाप सारी जिंदगी दुआवा करते रहे इशारे सवाल करते रहे बेटा आया उसने आख्या कि जाए इंसान छोड़ दुआवा खत्म दरूद की जरूरत नहीं उस दी सोसाइटी का असर भी है लेकिन वालिदैन की तरबियत का असर भी है क्योंकि वालिदैन का हक है कि अपनी औलाद को ऐसे असातजा कोल बिठाए कि जेड़े असातजा सारी जिंदगी ये दसन ओ संगिया बच्चे कुरान भी पढ़ हदीस भी पढ़ कमली वाले का अदब भी दिल में रख ली कमली वाले ने आम के सहाब ना तो भी दिल में रख सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु दौर मुबारक है। एक बंदा अपने बच्चे नु ले के ना सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की बारगाह से हाजिर होया अल्लाह हू अकबर
अर्ज की थी या अमीरुल मोमिनीन एक शिकवा लेके आए हैं। मेरे पाक उमर ने फरमाया खैर होवे कि हुजूर ए मेरा बच्चा है ए मेनू मारता है तंग करता है तकलीफां देता है मेनू सतांदा है। तो जो मेरे मुसलमान भाइयों की अक्सरियत अपने अपने बच्चे के वालिदैन मेरी गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे हो मेरे पाक उमर ने फरमाया की बचाए हुजूर मेनू तंग करता है तकलीफ देता है। अदालत ने बादशाह बोलिया हुजूर ने यार बोलिया मोहब्बत अल बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे सहाबा मेरे मुस्तफा करीम के मुरीद ने याद रखो उमर फारूक सिर्फ मुरीद मुस्तफा नहीं ने बल्कि मुराद मुस्तफा सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला आपने फरमाया ऐ आने वाले भाई दस अपने बच्चे नु कोई दीन सिखाए नहीं समझे तुसी मेरी गल हले भी किसी ने गुस्सा यार मैं ठंडे ते प्यार नाल पे गल करना फिर भी तुसी गुस्सा रख के बैठे हो मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। आजाद गिरामी फरमाया सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कि अपने बच्चे नु कोई दीन दे बारे च दसिया है कमी रह गई है दीन दे बारे च कोई नहीं कर सके अपने बच्चे नु कोई ऐसा पैगाम नहीं पहुंचा सकिया ऐसा इल्म नहीं सिखा सकिया मजबूरी सन हालात ऐसे सन कुछ ना सिखा सकिया ए नहीं पता कि वाहिद एक दीन ही ऐसा है सुभान अल्लाह। वो काहे अपने बच्चे को कुरान ना पे पढ़ावे और दीन ना सिखावे लेकिन गल से आते छोड़ो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वाहिद इल्म दीन इस्लाम ऐसा इल्म है कि हर इल्म के अंदर सिखा वास्ते मेरे भाई मेरे तेरे बच्चे को ले जान वास्ते लाखों रुपए की जरूरत है लाखों पैसे की जरूरत है लाखों कोशिश की साक्ष्य की जरूरत है ज्यादा तो ज्यादा तको तो करने की जरूरत है। वाहिद दीन इस्लाम ऐसा दीन है कि दीन आवाज दे दूंगा है वो बेलिया कुछ नहीं तेरे को बारे लेकिन दीन एक वाहिद मजहब इस्लाम है एक वाहिद मजहब इस्लाम है। हजरत गिरामी बड़ा प्यारा पैगाम है कि अपने औलाद नु दीन सिखाया जाए। आज की दी हुजूर में नहीं सिखा सकिया मैं रवायत अंदर पढ़े कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वैसे भी पढ़े जलाली सहाबी सन आपने चेहरे पे जलाल आया गुस्सा आया चेहरा जर्द हो गया आपने फरमाया ओ अदालत उम्र फारूक कुछ हाजिर होने वाले अगर अपने बच्चे नु दीन सिखाया नहीं आ तो वफा नहीं उम्मीद क्यों रखी पता लगा सैयदना उमर फारूक ने इस बयान तो वफादारी ता ही हो सी जे बच्चे नु दीन सिखा सो। अज उस्ताद मस्जिद में बैठ के इंतजार करने आने के बच्चे आन ते मैं दीन सिखावा अज असा मॉडर्न बनाने आ बच्चे नु डॉक्टर ते बनाने आ लेकिन कई ऐसे लोग मैं देखे ने पेंटा पाइया बाप ने डबल पीएचडी करवा दी थी पता नहीं कितने कितने पहुंचा देता लेकिन हुसन देने की बारी नहीं आवे जो सुरे तलाश करने मस्जिद में खादिम आके हुसन देवे या कोई बंदा माले जो बंदा तलाश करने आके हुसन दे नहीं नहीं मेरे भाई वालिदैन फोत हो गए ने औलाद का काम है अब जो अपने वालिदैन को हुसन दे बड़ा भाई फोत होया बहन छोटा भाई फोत होया भाई का काम है हुसन देवे वालिदैन अपनी औलाद को हुसन दे बेटियां अपनी मां को अपनी बहन को बेटियां जो है बहन गुस्ल दे शरीयत का मसला और तरीका कार है लेकिन कमजोरी साड़ी ये वे कि असा सीखने वाले पासे जाने नहीं। एक बंदा मस्जिद च आया ना दौड़ने दौड़ने अजान का टाइम हो गया मौली साहब आखे कि यार मैं वजू पे करना थोड़ी देर जी तू अजान दे जी उस्ताद जी सच्ची गल पूछो पे की शर्म आनी उन्हें आखे भी शर्म मैं ही जरा रोज पढ़ना ਸੋ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ
दीन सिखाओ। जिन्होंने दीन सिखिया और सारी जिंदगी में ऐसे कई लोग देखे ने अच्छा अच्छा पढ़ गए ने लेकिन जो बाप ने गल की ना ते सब कुछ दे देता लेकिन अदब ना बोले नहीं। बंदा दीनदार हो सी रब ना कुरान पढ़े हो सी जिसने हदीसे मुस्तफा पढ़ी हो सी वो बाप नु भावे ज्यादा लख रुपए ना दे सकसी भावे गरीब हो सी लेकिन जिसले याद रखो जिसले बाप वराफी ना इस संसार झुका के अदब नाले जरूर रख सी जी हुजूर में हाजिर है। एक गल किस दसी है दीन दसी है जेड़ा दीन नाल वाबस्ता हो सी वो अदब भी सीख गया सी। अल्लाह ताला ने बारगाह दुआ है कि रब्बे करीम सानू अदब और इत्तराम दे अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए और हाजी साहब दी खालिक कायनात कामिल बख्शिश फरमाए। अगर बख्शे गए ने तो खालिक कायनात दर्जा दे अंदर बुलंदियां नसीब फरमाए। वमा तौफीकी।